यहां मैंने देखे हैं कहीं ऐसे एसएसपी जो डिप्टी कमिश्नर को ओबे नहीं करते हैं। हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर होते थे, उसमें वही बार बार रिपीट होके आ रहे थे, तो वो अच्छी बात नहीं है, अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तब वो चीजें बदल रही हैं, जम्मू में काफी चीजें बदलाव की शेप में नजर आ रही हैं लोगों को। कुछ ही दिन पहले जिस तरह से होम डिपार्टमेंट द्वारा 33 डीएसपी के जो है वो तबादले किए गए, और जिसके बाद लगातार जो है वो ये मुद्दा जो है सुर्खियां बटोरता जा रहा है। यहां पर एक्स डीजीपी एसपी बैद द्वारा भी ट्वीट करके ये कहा गया है कि काफी ज्यादा उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है, और ये कहा है कि पुलिस इस तरह से जो है वो डीएसपी के होम डिपार्टमेंट द्वारा तबादले किए जाना, ये एक पुलिस के सिस्टम को जो है वो कमजोर करने की कोशिश है। फिलहाल इन सब पे हमारे साथ जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब हैं राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने इस फैसले का जो है वो स्वागत किया है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेयर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से होम डिपार्टमेंट द्वारा 33 डीएसपी के जो है वो तबादले किए गए हैं, ये ऐसा पहली बार देखने को मिला है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एलजी साहब लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, और ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो अच्छा रहेगा, और हमारा नीचे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहें, और जो ड्रग्स का हमारा अभी इतना यहाँ प्रचलन हो गया है, उन सब बातों में इससे बड़ी कमी आएगी, और ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है। क्या लगता है कि जिस तरह से डीएसपी के तबादले हुए और जो एक्स डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर से एसपी बैद, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये एक पुलिस के सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश है, और ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस इज ए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एंड रेस्ट आर द डायरेक्टिंग अथॉरिटीज। जो डायरेक्टिंग अथॉरिटी रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग, तो कंट्रोल तो उन्हीं के पास रहना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स ऑन द विशेस ऑफ ए पब्लिक, एट प्रेजेंट इट इज एक्टिंग थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। तो जो लोग चाह रहे हैं वो काम हो रहा है, तो उसको तो कोई नकार नहीं सकता। तो लोगों के पास ये अख्तियार है कि दे वट एवर थिंग डेट इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वही कर रहे हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास अगर कंट्रोल नहीं होगा तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी दे विल गो आउट ऑफ हैंड। मेयर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि काफी सारे थानेदारों की बात करें तो उनकी भी ये चाहत रहती है कि हमें जो है वो पुलिस लाइन में नहीं रखा जाए, बल्कि हमें जो है वो थाने में एक थानेदार का ही जो है वो जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या लगता है कि उनके तबादले भी होम डिपार्टमेंट से अब होंगे या क्या? होम डिपार्टमेंट किनकी ट्रांसफरिंग करें किसकी नहीं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि कंट्रोल होम डिपार्टमेंट के पास रहना चाहिए। यहां मैंने देखे हैं कहीं ऐसे एसएसपी जो डिप्टी कमिश्नर को ओबे नहीं करते हैं, तो काफी चीजें बाहर आ रही थी, लेकिन यह भी हमें देखना पड़ेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं। आपने देखा होगा कई बार वहां का एसएचओ इतना अच्छा काम करता है, जब उसकी ट्रांसफर होती है लोग कहते हैं इसको यही रखो, बिल्कुल, और कई जगह लोग कहते हैं कि इसको ट्रांसफर करो। तो ये चेक एंड बैलेंसेस के तरीके होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, पुलिस इज ए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, तो उसी हिसाब से काम चल रहा है। आप पहले भी जो है वो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स को लेकर कई बार जो है बात करते रहे हैं, लेकिन जो इस बार के ट्रांसफर्स हुई हैं, तो इसे आप मतलब क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से सरकार को, आने वाले टाइम में बाकी भी जो अधिकारी हैं उनके भी इस तरह से होने चाहिए? मैं तो खुद ही सरकार हूं, मुझे क्या कहना किसी से। मैं ये कह रहा हूं कि बिकॉज वी आर इलेक्टेड बॉडी, मेयर हूं मैं, प्रशासन हूं, और हम ये देखते हैं कि इसके साथ काफी चीजें बदलेंगी। आपने यस आपने भी देखा होगा कि जो हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर होते थे उसमें वही बार बार रिपीट होके आ रहे थे, तो वो अच्छी बात नहीं है, अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तब वो चीजें बदल रही हैं, जम्मू में काफी चीजें बदलाव की शेप में नजर आ रही हैं लोगों को, और सभी लोग इन चीजों का वेलकम कर रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने जो होम डिपार्टमेंट द्वारा कुछ दिन पहले 33 डीएसपी के तबादले किए गए उसको लेकर स्वागत किया है और ये कहा है कि इससे जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बदलाव जो है आप जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है आप जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।